इन दोनों भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला चल रही है 3 मैचों की, जो कि आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वर्तमान चक्र यानी साइकिल का हिस्सा है। इसके 3 मैच होने थे, जिनमें 2 मैच हो चुके हैं। 1 मैच अभी बीते शनिवार को संपन्न हुआ, 3 ही दिन में ये मैच खत्म हो गया, जिसे भारत ने हारा। 113 रनों से हारने के साथ ही भारत ने ये श्रृंखला 2-0 से गंवा दी, जिसका 1 मैच अभी खेला जाना बाकी है। अब उस मैच का परिणाम जो भी हो, भारत ये श्रृंखला हार चुका है। 25 साल पहले साल 2000 में श्रृंखला हारी थी दक्षिण अफ्रीका से। वो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी जो भारत ने 2-0 से यानी 2-0 से हारी थी। इसके बाद 2 लगातार मैच भारत ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ हारे। एक और जो बड़ी बात है इस सीरीज हार के साथ, वो ये कि 69 साल से हम न्यूजीलैंड के साथ घरेलू टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, यानी 1955 में हमने पहली बार नवम्बर के महीने में न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच खेला था, और उस मैच के बाद से अब तक 12 टेस्ट श्रृंखलाएं हो चुकी हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच घर में यानी भारत में। उन 12 में से भारत ने 2 टेस्ट श्रृंखलाएं ड्रॉ कराई और 10 टेस्ट श्रृंखलाएं जीती, यानी इसका मतलब हुआ कि ये पहली सीरीज थी न्यूजीलैंड के हाथों जो हमने घर में हारी। हमने 10 सीरीज जीती थी और इसके साथ ही 18 टेस्ट श्रृंखलाएं जीतने का जो लगातार टेस्ट सीरीज जीतने का सिलसिला था हमारा, उस पर भी विराम लग गया। तो एक बड़ा रिकॉर्ड जो बनाकर एक और बड़े रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे थे, उस पर एक फुल स्टॉप लग गया, जिसकी शुरुआत अब कब होगी, बाद में वो कब रिज्यूम होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो बात यह है कि अब इस वक्त लगभग 62.82% के साथ हमारा थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में। होने को तो अभी भी टॉप पर हैं, शीर्ष पर हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा घाटा हमें यह हुआ है कि इस श्रृंखला के शुरू होने से पहले भारत का जो विनिंग परसेंटेज था वो 74% था, और अब ये हो गया है 62.82, यानी अच्छा खासा घाटा इसमें हुआ है। पहले हम ऑस्ट्रेलिया से 12% की दूरी से आगे थे, जो कि इस पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर चल रहा है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के भी 62.5 पॉइंट हैं, यानी वो कुछ दशमलव की दूरी से ही हमसे दूर है। और अब ये सीरीज हारने के बाद हमें आगामी श्रृंखला जो खेलनी है, वैसे तो अभी इसी सीरीज का एक मैच जीता है और उम्मीद करते हैं कि ये मैच भारत जीते, ताकि जीत की लय में, जीत की पटरी पर वो वापस लौट सके, क्योंकि 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला उसे ऑस्ट्रेलिया में ही खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलनी है, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बड़ी बात होगी अपने आप में, और यहाँ हराना जरूरी होगा। कम से कम 3 या 4 मैच हमें यहाँ जीतने होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट्स टेबल है उसमें नंबर 1 पर कायम रह सकें और फाइनल के लिए फिनिश कर सकें। अगर हम वो श्रृंखला हारते हैं या 1 या 2 ही मैच जीते हैं, तो इसका मतलब होगा कि श्रृंखला में हमें जो चुनौती मिल रही है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के बाद श्रीलंका और साउथ अफ्रीका से, शायद वो हमारी जगह ले लें और हम फाइनल खेलने से महरूम हो जाए। तो ये ना हो, फिलहाल तो ये उम्मीद करनी चाहिए। अगला मैच भारत को जीतना चाहिए, जीत की लय को कायम रखना जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बड़ी तैयारी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत देख परख कर, फूंक फूंक कर सारे कदम रखे हैं, और वो चाहेंगे कि वो अपना भी इतिहास सही कर सके, क्योंकि पिछली जो टेस्ट श्रृंखलाएं उन्होंने घरेलू श्रृंखलाएं भारत के खिलाफ खेली हैं ऑस्ट्रेलिया में ही, उनमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, यानी 2 श्रृंखलाएं हमने 2-1 से जीती हैं। अब ये भी हमें कम से कम 4-1, 5-0 या 3-2 से जीतनी होगी, तभी बात बनेगी, तभी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दायरे में आ पाएंगे फाइनल के, वरना वहां से भी हमें बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है, जो कि एक और खराब बात होगी, एक और खराब रिकॉर्ड जोड़ेगा भारत के नाम, क्योंकि ये जो तीसरा चक्र हो रहा है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इसमें अगर हम फाइनल में जगह बनाते हैं तो ऐसा करने वाले हम पहले देश होंगे जो 3 बार लगातार फाइनल में जगह बना रहा है। हम लगातार पहला और दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुके हैं, बदकिस्मती से दोनों में हमें हार का सामना करना पड़ा, पहली बार न्यूजीलैंड से, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया से। इस बार उम्मीद करते हैं कि फाइनल हम दोबारा खेलें और इस बार हम जीतें भी, लेकिन उसके लिए हमें करना ये होगा कि पहले हमें जीत की लय में आना होगा। हमारे गेंदबाज कमोबेश अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन अपनी लय में नहीं है। गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर ने 11 विकेट लिए, मिशेल सेटनर ने जरूर भारत के खिलाफ हुए इस मैच में 13 विकेट लिए और अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। इससे पहले जब 2 साल पहले इसी टीम ने हमारा दौरा किया था, तब एजाज पटेल ने 10 विकेट लेकर एक ही मैच में
एक ही पारी में बल्कि कहना चाहिए जिम लेकर और अनिल कुंबले के साथ अपना नाम लिखवाया था। और भी क्रिकेट से जुड़ी हुई, खेल से जुड़ी हुई और गतिविधियों से जुड़ी हुई बातें करेंगे। इंस्टा फीड पर बस अपने आप को जारी रखिए, फॉलो करना हमें और सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए।